सोलन में केंद्र द्वारा लोन मेले का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यवसायियों को किसी भी तरह की दिक्कतें और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोन मेले का आयोजन समूचे भारतवर्ष में किया जा रहा है, लेकिन इन लोन मेलों का फायदा पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक उद्योगपति मेले में पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा कि पिछले कई महीनों से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे लोन देने से मना कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने रोष जताया कि एक तरफ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लोन मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पात्र व्यक्तियों को लोन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे लोन मेलों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सोलन में केंद्र द्वारा लोन मेले का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यवसायियों को किसी भी तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोन मेले का आयोजन समूचे भारतवर्ष में किया जा रहा है, लेकिन इन लोन मेलों का फायदा पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक उद्योगपति मेले में पहुंचा और अपनी आपबीती बताई और कहा कि पिछले कई महीनों से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे लोन देने से मना कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने रोष जताया कि एक तरफ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लोन मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पात्र व्यक्तियों को लोन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे लोन मेलों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। रोष व्यक्त करते हुए व्यवसायी अंजुल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें उद्योग के विस्तारीकरण के लिए लोन चाहिए था, जिसके लिए वे 1.5 वर्षों से बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। जो दस्तावेज बैंकों ने मांगे थे वे भी उनके द्वारा पूरे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लोन नहीं दिया गया। वे केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के पास भी इसकी शिकायत करने लोन मेले में पहुंचे थे, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण वे उनसे नहीं मिल पाए। इसलिए वे अब देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में शिकायत भेजेंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को बैंक का लोन मिल सके और वे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपना सहयोग दे सके। है कि कल यहाँ पर जब मैं ग्राउंड में पहुंचा, मैंने इनके सीनियर ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि हमारी ब्रांच नहीं है, आप किसी और वो जो शिमला वाला जोन है उनसे जाकर बात करें। अभी तक जो है इनकी तरफ से मैं ये पिछले 1.5 साल से जो है फाइल लेके भटकने के बाद मेरा जो है इन्होंने RTIO में भी जो है 0 जवाब देने के बाद मेरी फाइल जो है लटका कर मुझे वापस कर दी गई है। माननीय वित्त मंत्री एवं भारत सरकार अनुराग ठाकुर जी के समक्ष भी ये बात रखने के लिए आया था कि भाई इसके ऊपर जो है मैं पर्सनली उनको कहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जो लिस्ट है कि भी हिमाचल प्रदेश से कितने लोन के केसेस जो हैं गए हैं और उनमें से कितने पास हुए और क्यों इन्होंने जो है बाकी लटका दिए हैं, ताकि गरीब जनता जो जिनके लिए ये स्कीमें हैं हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, ताकि हर जो इंसान है जिन्होंने ये लोन के लिए अप्लाई किया है वो एक हिमाचल को नई दिशा दे सके। तो ये अनुराग ठाकुर जी के आज समक्ष आज भीड़ होने के कारण जो है ये बात नहीं हो पाई। ये अब नरेंद्र मोदी जी को जो है इसके बारे में अवगत कराया जाएगा कि हमारे हिमाचल के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।